लोगों ने किया भूख हड़ताल तो अब क्या करेगी योगी सरकार। जन संग्राम पार्टी एवं सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन और अभिकर्ताओं व निवेशकों ने किया धरना प्रदर्शन। शहीद स्मारक आगरा में साईं प्रसाद के अभिकर्ताओं व निवेशकों ने संजय पैलेस पर किया धरना प्रदर्शन। भारतीय लोक सेवा दल और यह पूरा समर्थन दे रहा हूँ जन संग्राम पार्टी को, क्योंकि इस मुद्दे पर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष की कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया और जन संग्राम पार्टी ने इस मुद्दे पर निवेशकों के हित के लिए आगे आकर यह धरना रखा। सबसे पहले बधाई के बाद भारतीय लोक सेवा दल 5 वर्षों से संगठन बनाकर पल्स, सहारा, साई प्रसाद, रोज वैली, कल्परू, क्वेल, नॉन बैंकिंग जितनी भी कंपनियाँ हैं उसकी लड़ाई लड़ रही है और जिले स्तर से लेकर दिल्ली तक पिछले वर्ष 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक 1 महीने की भूख हड़ताल रखी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ ने। 5 वर्षों में भी जब न इस देश की सरकार ने न विपक्ष ने हमारी बात सुनी तो 25 नवंबर को निवेशकों की सभी संगठनों ने मिलकर भारतीय लोक सेवा दल का निर्माण किया, उसको जन्म दिया और अब पार्टी बनाकर हम छोटी छोटी पार्टियों के साथ एकजुट होकर और लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि तानाशाही पूर्ण रवैया है, अपनी बात रखने का कहीं भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में 6 नवंबर को लाखों की संख्या में दिल्ली में ये जितनी भी कंपनियां बंद हुई जिसके निवेश रजिस्टर्ड, ये भारत सरकार द्वारा जो रजिस्टर्ड की हुई थी जितनी भी कंपनियां जिसको चिटफंड कहा जा रहा है वो सब के सब 6 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हालांकि भूख हड़ताल 3 अक्टूबर 2019 निवेशकों का पैसा दिलाने की अपील सरकार से एमसीए में पंजीकृत समस्त कंपनियों ने निवेशक है जन संग्राम पार्टी एवं सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन द्वारा विशाल जन आंदोलन की तैयारी किया जा रहा है। सरकार ने यदि इनको लॉक किया है एक साथ तो इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार को देनी पड़ेगी ना, जो किस कारण से लॉक किया है। यदि इनकी तिमाही ऑडिट थी, तिमाही ऑडिट होने के उपरांत भी यदि ये लोग घोटाला कर रहे थे तो 3 महीने का घोटाला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। इनकी जो ऑडिट थी तिमाही ऑडिट थी भारत सरकार के रूल रेगुलेशन के अनुसार, तो इनका गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। फर्जी नाम दे दिया गया चिटफंड, यदि ये चिटफंड था भारत सरकार को इन्हें समय रहते पहले ही बंद कर देना चाहिए था। एक दो कंपनी होती तो हम भी मान लेते, एक दो कंपनी चोरी चुप चल गई, लेकिन ये तो खुले आप बड़े बड़े शहरों में 30-35 वर्ष के अंदर लोगों को पैसा ले रही थी। इसमें गवर्नमेंट की मिली वक्ति है, राजनेताओं की मिली वक्ति है, शासन प्रशासन की मिली वक्ति है। अगर ये गलत है तो क्योंकि जनता तो बोली वाली है, जनता को किसी बात का नहीं पता है।